छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांकेर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत गोंडी भाषा में सभी को जय जोहार कहते हुए की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को और भी सशक्त बनाने का है। बीजेपी का संकल्प आदिवासी पिछड़ों और दलितों के हितों की रक्षा करना है। बीजेपी का संकल्प देश के टॉप राज्य में छत्तीसगढ़ को लाने का है, जबकि कांग्रेस और विकास के बीच में छत्तीस का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस होगी वहां पर विकास हो ही नहीं सकता। पीएम मोदी ने कहा कि कल ही छत्तीसगढ़ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। छत्तीसगढ़ के लोगों और बीजेपी ने साथ मिलकर यह प्रदेश बनाया था। कई चुनौतियों से लड़ते हुए हमने नई व्यवस्था प्रदेश में बनाई है। पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में जब थी तो यहां की बीजेपी सरकार से दुश्मनी निकाला करती थी। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो? ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मैं मुझे जरूर पहुंच जाएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा।